गुड इवनिंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं अब इवनिंग होने वाला है, बिकॉज़ सुबह में मॉर्निंग में मैं इसलिए ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर पाया बिकॉज़ बहुत सारे मेरे वीडियो जो थे वो मास क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे पास अवेलेबल थे, उनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडिट करना पड़ा, बिकॉज ऑफ दैट अगर हम उसको एडिट नहीं करते तो वो एडिट नहीं करने से मेरे में स्टोरेज, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज का कैपेसिटी थोड़ा कम है। 64 GB स्टोरेज है, उसमें से मेरा बहुत ज़्यादा स्टोरेज एप्लीकेशन में लिया है और कुछ मतलब स्टोरेज एप्स में और कुछ स्टोरेज पिक्चर में, कुछ फ़ोटोज़ में, ऐसे करके मेरे में 50 प्लस GB स्टोरेज मेरा कैप्चर हो गया है। और अगर इसे रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेरा 1 मिनट में 100 MB अप्रोक्सीमेटली वीडियो बन जाता है। तो इसी चलते मैं इसको डिडक्ट करके अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स का कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको अपलोड करता हूँ। और आज मैं सारे वीडियोज़ को एडिट करके, सबको डिलीट करके, अपलोड करके, उसको सारा कुछ क्लियर करके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मतलब ग्रीन स्क्रीन का वीडियो बनाने वाला था आज या फिर पहले ही बनाने वाला था, लेकिन यही सब घर के कामों में काम पड़ जाने के चलते मैं उसको नहीं एडिट कर पाया और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला मेरे को, और इसी चलते मैं ग्रीन स्क्रीन का काम नहीं कर पाया। और अभी फ़िलहाल जो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो मेरे अपने सेल्फी स्टिक से कर रहा हूँ। और बाहर में मैं अभी जो हम लोग का गांव मतलब बाहर में जो तालाब होता है उसके वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आप लोगों को जल्द, बहुत ही जल्द डिफरेंट कैटेगरीज़ के वीडियोज़ मतलब ब्लॉग से हट के थोड़े बहुत वीडियो देखने के लिए मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ, टाइम निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है मेरे को वो बनाने में। अगर बन जाता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, उसके बाद डालूँगा। और आज तो मतलब जहाँ रिश्तेदारी रिलेटिव के वहाँ गया था, वहाँ जाते जाते मतलब दोपहर के 11 बजे आसपास मैं घर से निकला था। उसके बाद वहाँ जाके रिटर्न आया फिर 3 साढ़े 3 लगभग मैं वहाँ से निकला और वहाँ से घर आके फिर तालाब के साइड मतलब मेरा जो काम रहता है उसको करने के लिए मतलब मैं घर से बाहर आया हुआ हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे घर के काम थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, इसी चलते घर के काम में के चलते ही मैं बाहर आया हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी जैसे ही फरवरी का एंड होगा मतलब मिडिल ऑफ फरवरी बीच में पलाश का जो फूल होता है वो खिलना स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे पेड़ पौधों से पत्ते झड़ने लगे हैं और पलाश का फूल खिलने लगा है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ते जाएगा पलाश का फूल मतलब सारे पेड़ों में खिल जाएगा। और अभी फ़िलहाल एक दो गिने चुने पेड़ों में ही पलाश का फूल देखने के लिए मिल रहा है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज कि पलाश का फूल देखने के लिए मिलेगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से दिखा दूंगा। और अगर मैं उसी जगह अभी था कि मैं आप लोगों को दिखा देता कि पलाश का फूल खिला हुआ था तो इधर वहाँ से मैं इधर आ गया, तो इसी चलते मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा। और फिलहाल फ्रेंड्स अभी तक के वीडियो में बस इतना ही। मेरे में और 2-4 वीडियोज़ हैं जिनको एडिट करना है फिर अपलोड करना है। तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्द आप लोगों से।